दर्शकों, एक बार फिर एक भूटानी वाहन जयगांव क्षेत्र में हुई दुर्घटनाग्रस्त। नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष सीधे जुड़ रहे हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के एशियन हाईवे खोखला बस्ती क्षेत्र से, जिसे पासाका रोड भी कहा जाता है। और यहीं पे एशियन हाईवे के बगल में खोखला बस्ती क्षेत्र में एक भूटानी वाहन जो है डीसीएम ट्रक जो है आईचे ट्रक जो है इस समय दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और बताया जा रहा है, जो कि सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, सड़क से रेलिंग को रेलिंग के ऊपर से यह नीचे की तरफ इस क्षेत्र में जा गिरा है। और बताया जा रहा है, जो कि सूत्र बता रहे हैं, कि जो वाहन चालक है वो नशे में था और नशे में होने के कारण ये गाड़ी अनियंत्रित होकर इस तरह से नीचे जाके गिरी है। आपको बता दें कि वाहन चालक जो है घायल बताया जा रहा है, और मौके पे जयगांव थाना के ऑफिसर्स यहां पे पहुंचे हैं और रेस्क्यू का कार्य भी चल रहा है। यहां के आम निवासियों द्वारा भी काफ़ी हद तक इस रेस्क्यू कार्यों में अपना हाथ बटाते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो वाहन है, वाहन में कोई सामान नहीं था, जो कि सूत्र बता रहे थे, खाली वाहन था, इसीलिए ज़्यादा गंभीर ये दुर्घटना नहीं हुई। फिलहाल आप सभी को बता दें कि स्थानियों के मदद से इस चालक को, इस वाहन चालक को, भूटानी वाहन चालक को हॉस्पिटल भेजा गया है चिकित्सा के लिए। और इस समय की ये बड़ी खबर है।